हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नए नागरिकता कानून सीएए पर फौरन रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा पहले सरकार का जवाब सुनेंगे, 4 हफ्ते का वक्त दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बोले प्रदर्शनकारी, शाहीन बाग में धरना जारी रहेगा, स्कूल एम्बुलेंस को रास्ता देते रहेंगे। नागरिकता कानून को लेकर शाहीन बाग की तरह लखनऊ के घंटाघर में भी प्रदर्शन जारी, अमित शाह के बयान से नाराज दिखी महिलाएं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष फिर बोले, देश में 2 करोड़ और बंगाल में 1 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान, सबको भगाएंगे। नागरिकता कानून के खिलाफ ममता बनर्जी का मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन चालू है, दार्जिलिंग में ममता ने निकाला मार्च, रैली की। बजट से पहले वित्त मंत्री की हलवा सेरेमनी पर ओवैसी ने कहा, हलवा अरबी शब्द है, क्या बीजेपी हलवे का नाम भी बदलेगी। सीएए पर अमित शाह को चुनौती भी दी। नीतीश की पार्टी जेडीयू के प्रशांत किशोर का एनआरसी पर अमित शाह को चैलेंज, कहा लागू करके दिखाएं, जेडीयू बीजेपी की ही सहयोगी है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करे सरकार, आंकड़े जारी हुए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र में मराठी भाषा 10वीं क्लास तक पढ़ना होगा जरूरी, उद्धव ठाकरे सरकार बनाएगी नया कानून। मुंबई में पब और बार रात 1:30 बजे तक खुले रहेंगे, उद्धव ठाकरे सरकार मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पर मुहर लगाई। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार का फैसला, 26 जनवरी से स्कूलों में प्रार्थना के बाद संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे सभी छात्र। कल जारी होगा राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का नया झंडा और नारा, नए झंडे पर भगवा रंग की छाप ज्यादा। कल नामांकन के बाद आज केजरीवाल ने रोड शो कर प्रचार किया, रोड शो में बड़ी संख्या में ऑटो वाले भी पहुंचे। यूपी में किसानों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, दुर्घटना में मारे गए या दिव्यांग हुए किसानों के परिवारों को 5-5 लाख की आर्थिक मदद मिलेगी। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता सी के बोस बोले, जिन्ना सेक्युलर नेता थे, भारत का विभाजन तो कांग्रेस के सांप्रदायिक नेताओं की वजह से हुआ। जम्मू कश्मीर में मोदी के मंत्रियों का दौरा जारी, मंत्री नकवी ने श्रीनगर के लाल चौक पर लोगों से मुलाकात की, कहा माहौल अच्छा है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में आज फिर एनकाउंटर, एक आतंकी को ढेर किया गया, कल सेना का एक जवान और एसपीओ शहीद हुए थे। अवंतीपोरा मुठभेड़ में शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसर शाहबाज अहमद को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। मुंबई के पास ठाणे में इमारत में आग लगने से एक की मौत, इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ आग हादसा। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में ट्रक और टेम्पो की भीषण टक्कर हो गई, 4 लोगों की मौत, कोहरे की वजह से टक्कर हुई। उत्तर प्रदेश के एटा में सरकारी स्कूल की छत गिरी, एक बच्चे की मौत, एक घायल, शौचालय के घटिया निर्माण की वजह से हादसा। पटना में आज से 3 दिन दवाइयों की दुकान बंद, सरकारी अफसरों पर इंस्पेक्शन के नाम पर परेशान करने का आरोप लगाया। रेलवे टिकट में कालाबाजारी के जरिए आतंकी फंडिंग का शक, आरपीएफ ने एक गैंग के 27 लोगों को पकड़ा, दुबई में मास्टरमाइंड होने का शक है। दिल्ली एनसीआर में सुबह ठंड के साथ कोहरे की बीमार पड़ी, सुबह छाई रही धुंध, ट्रेन देरी से चली, कई फ्लाइट रद्द। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बच्चों को दिए राष्ट्रीय बहादुर सम्मान, इस बार 10 लड़कियां और 12 लड़कों को मिला है ये अवार्ड। पेरियार पर रजनीकांत के विवादित बयान का चेन्नई में विरोध जारी, रजनीकांत के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। मेंगलुरु एयरपोर्ट पर बम रखने के आरोपी ने सरेंडर किया, बोला इंटरनेट से सीखा था, नकली बम बनाना, डराना चाहता था। तमिलनाडु में चेन्नई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार 3 तस्करों से दुर्लभ प्रजाति की कई छिपकलियां बरामद हुई। इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में भेजी जाने वाली ह्यूमेनॉइड व्योम मित्रा की पहली झलक सामने आई, इंसानों की तरह करता है बर्ताव।
दिल्ली के JNU में NCC छात्रों ने गणतंत्र दिवस परेड के लिए किया रिहर्सल। करगिल में कड़ाके की ठंड, तापमान -25 से नीचे, ठंड में स्कूली बच्चे गणतंत्र दिवस के परेड की तैयारी करते दिखे।